बक्सर के कृष्णा ब्रह्म थाना क्षेत्र के दिया गांव में हर्ष फायरिंग, घायल हुए पति पत्नी गंभीर हालत में इलाजरत। बक्सर के कृष्णा ब्रह्म थाना क्षेत्र के दिया गांव में हर्ष फायरिंग के दौरान पति और पत्नी घायल हो गए। दोनों को आनन फानन में नगर के विश्वामित्र अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। चिकित्सक का कहना है कि पति के हाथ को बेधते हुए गोली पत्नी के पेट में जाकर लग गई है। ऐसे में अभी फिलहाल दोनों की हालत स्थिर बनी हुई है, आगे की जांच भी जारी है। उन्होंने बताया कि अब तक जो जानकारी परिजनों के द्वारा दी गई है, उसमें यह बताया गया है कि घर में कोई मुंडन संस्कार का कार्यक्रम चल रहा था, जिसको देखने के लिए पति और पत्नी छत के ऊपर बैठे हुए थे। छत से ही वह कार्यक्रम को देख रहे थे, इसी बीच कहीं से गोली चली और गोली आकर पति के हाथ में लगी। हथेली को बेधते हुए गोली पत्नी के पेट में आकर लग गई है। ऐसे में पति की हालत फिलहाल कुछ ठीक है, लेकिन पत्नी के पेट में गोली फंसे होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि मामले में सीटी स्कैन आदि कराने के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि क्या स्थिति है। इस घटना के बाद परिजनों के बीच भी हड़कंप का माहौल कायम हो गया है। फिलहाल मामले में कोई भी ज़्यादा जानकारी देने से कतरा रहा है। बताया जा रहा है कि इस घटना के बारे में अभी पुलिस को भी कोई सूचना नहीं है। मामले को लेकर हमने अस्पताल के निदेशक से जो बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं। ये है क्या स्थिति? देखिए, वाइफ हस्बैंड दोनों हैं, एक का नाम त्रिपुरारी ठाकुर है और उनकी पत्नी साइड है उनका नाम पूजा ठाकुर है। तो घर में कोई ओकेजन रहा है जिसमें कहीं से फायरिंग हुई, तो हस्बैंड के मतलब जो त्रिपुरारी ठाकुर हैं उनके बाएं वाले हथेली पे लगे, उसमें तो बुलेट आर पार होकर निकल गई है, और जो पूजा ठाकुर हैं उनके पेट में लगा है। तभी सीटी और एक्सरे होता है, तो हम लोग फिर इसके बारे में बताएंगे। अभी प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? हाँ, प्रथम दृष्टया में ये त्रिपुरारी ठाकुर तो ठीक है, इज वेल एंड फाइन, बट उनके वाइफ का कंडीशन अभी थोड़ा कहना मुश्किल होगा, जब तक कि इंटरनल रिपोर्ट हम लोग देख ना लें। ठीक है,